Hello guys, and welcome back again to the Under Construction. So guys, as well, thank you for 300 subscribers. And guys, अगर आपका new YouTube channel है तो guys आप नीचे comment करके मुझे बता दो, हम एक दूसरे को मतलब अपना subscribe share कर लेंगे. मतलब कि normally देखा जाए तो मैं तुम्हें, तुम मुझे subscribe कर देना. इससे हम एक दूसरे का channel grow कर सकते हैं easily और fast तरीके से. तो guys, आज का title हम फिर से बात करने वाले हैं PewDiePie के बारे में, जिनका सपोर्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है. मतलब उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा, उनके सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं. तो गाइस, आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी कुछ प्रीवियस ओल्ड वीडियोस दोबारा आपको याद दिला दूँ. अगर जिन्होंने नहीं देखे, वो जाकर पहले वो वीडियोज़ उनकी देख कर आएँ, देन उसके बाद मेरी वीडियो देखिए, तब आपको मतलब पूरा लगेगा. तो गाइस, उन्होंने इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में और इंडिया के शोज़ के बारे में कुछ वीडियोस बनाई थी, जिनमें मैक्सिमम रोस्ट था. मतलब कि हमारी कोई प्लस पॉइंट, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे कुछ अच्छे काम नहीं थे, हमें रोस्ट किया था PewDiePie ने. तो गाइस, इस दौरान काफ़ी इंडियंस ने डिफेंड कर रहा था PewDiePie को, सपोर्ट कर रहा था, जो कि काफ़ी गलत था. क्योंकि गाइस, कुछ इंडियंस को ऐसा लगता है कि मोटू पतलू मतलब शो है ही नहीं, एनिमे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मतलब है ही नहीं कुछ उनके हिसाब से. तो गाइस, कुछ लोगों ने तो ये भी एग्जांपल दी कि मोटू पतलू में मतलब सिखाया जाता है समोसा खाना, एंड किसी और शो को हम ले लें जैसे कि पोपाए, तो उसमें दिखाया जाता है कि पालक खाओ जो कि हेल्दी है. बट गाइस, पालक खाने के बाद पोपाए जो करता है, तुम सबको पता है, जब वो बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप करता है, बोट्स के ऊपर से, शिप्स के ऊपर से जंप करता है, तो गाइस क्या बच्चे वो मिमिकिंग उसे कॉपी नहीं करेंगे? तो गाइस, आप कैसे कह सकते हो कि मतलब जंक फूड खाना अगर गलत है, तो मतलब पालक खा के बिल्डिंग से जंप लगाना वो भी गलत है? आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आई एम सॉरी. देन गाइस, उसके बाद मैं क्लियर कर दूँ, इस बार मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, क्योंकि PewDiePie ने उन वीडियोस से सिर्फ रेसिस्ट का काम किया है, बढ़ावा दिया है, और कुछ नहीं करा है. एंड क्यों करा है, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ. कुछ पिक्स हैं मेरे पास, कुछ प्रूफ हैं, चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. तो गाइस, आप पिक नंबर 1 में देख सकते हो कि शेराज खान नाम के एक बंदे ने पबजी की एक, पबजी मोबाइल एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उसमें कुछ ऐसा पोस्ट करा था, पॉज करके एक बार पढ़ लो. एंड गाइस, जैसे किसी ने रीपोस्ट करा लिखकर व्हाट द फक, क्योंकि उसने डिसरिस्पेक्ट करा एक लड़की को. ठीक है गाइस, ये थी पिक नंबर 1. अब पिक नंबर 2 आपको दिखाता हूँ. पिक नंबर 2 में आप देख सकते हो कि इस बंदे को जमकर ट्रोल करा, इसकी बेइज्जती करी है. एंड गाइस, अब आपको दिखाता हूँ पिक नंबर 3. तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया के बारे में. जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया को आप ट्रोल कर रहे हैं, इंडियंस के बारे में बुरा कह रहे हैं, एंड कुछ डिफेंड कर रहे हैं हमारे इंडियंस, जो कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का माइंड एक जैसा नहीं होता. बट गाइस, मैं क्लियर कर दूँ एक बात. सो गाइस, क्लियर मैंने ये करना था कि शेराज खान तो इंडियन है ही नहीं, वो रहता है लाहौर पाकिस्तान में. तो गाइस, आप देख सकते हो इंडियंस को बेवजह बीच में डाल दिया, बिकॉज PewDiePie ने एक ऐसी वीडियोज़ बनाई थी जिससे ये शो अप हुआ था कि इंडियंस, सब इंडियंस एक जैसे होते हैं. गाइज, मैं आपको एक बार फिर से एक पिक दिखाता हूँ, आप खुद मेरे को बताना कि ये कहाँ से इंस्पायर होके ये कॉमेंट्स आए हैं. तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट ये खुद पढ़ें, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है. तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है. एंड गाइज, ये ही नहीं, एक बंदे ने तो ये भी लिखा था कि ये शेराज खान रिलेट कर रहा है PewDiePie की उस वीडियो से जिसमें न्यूड्स मांगे थे कुछ लोगों ने. तो गाइस, एट लास्ट मैं यही कहता हूँ कि PewDiePie ने गलत करा था. तो गाइस, इस कमेंट की बात कर रहा था मैं, आप देख सकते हो, पढ़ लो एक बारी. तो गाइस, मैं बस यही कह रहा था कि आप किसी को भी रोस्ट कर सकते हो भाई, तुम्हें हक है, फ्रीडम है, बट गाइस लिमिट में रहो ना.
अब ये सब जो कचड़ा फैला है इसे साफ कौन करेगा। तो गाइस मैं एट लास्ट यही कहूँगा कि मैं भी प्यूडीपाई का बहुत बड़ा फैन था, मतलब हूँ अभी भी। बट गाइस समटाइम्स जैसे कि मतलब कोई भी यूट्यूबर अपने मतलब कुछ भी ऐसा कर देता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं लगा, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है। इससे सिर्फ रेसिस्ट को बढ़ावा मिला है और अब हर जगह यही कमेंट्स भर रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको सही लगा तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, मैं कुछ कह नहीं सकता। बट गाइज हाँ,